और जब आप रहेंगे तो दुनिया का हर ताकत से मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो, मैं हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे CBI, ED, BD से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जिंदगी में कुछ गलत काम किया ही नहीं है। हमने तो कहा था कि भैया जो करना कर लो, विभाग भी तुमने ले लिया ना, सवा साल में जांच करा लो कि विभाग में मुकेश सहनी ने क्या किया। मैंने वही काम किया जो गरीब कल्याण की काम होगा, गरीब समाज की बात होगा, गरीब का हक अधिकार की बात होगा, वही मैंने काम किया। उसके अलावा एक भी काम मैंने नहीं करने का काम किया। तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, डरेंगे वो व्यक्ति जिन्होंने गलत किया होगा। हम कहीं गलत किए नहीं है, चाहे मुंबई से लेकर बिहार तक हमने कहीं गलती नहीं किया, और मैं आपके सामने झुकूंगा। अगर मैं गलती किया रहता तो भाजपा वाले के सामने झुक जाता, लेकिन हमने झुका नहीं और कभी भी नहीं झुकूंगा जब तक आपका साथ रहेगा। शरीर में आखिरी सांस तक आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा साथियों। लेकिन जरूरी है आपको भी पार्टी के प्रति, अपने समाज के प्रति मजबूती से लड़ाई लड़ने का। और मुकेश सहनी ही क्यों, निश्चित तौर पे मुकेश सहनी से भी अगर अच्छा आपके समाज में बेटा खड़ा होता है, मुकेश सहनी से भी बड़ा लकीर अगर खींचता है, तो आप उनको मदद कीजिए, क्योंकि वो आपके बेटा आगे निकल रहा है। और जब तक अगर वो आगे नहीं निकल रहा है, तो जो आपके सामने जो सबसे बड़ा लकीर खींचा है उनके साथ आप रहिए, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपके लोग परेशान नहीं करेगा। आज क्या हो रहा है गाँव में, लोग आप देखते होंगे, निबरिया का बहु हमारे गाँव में कहावत है, जो निबर होता है ना उसके घर पे हर को उनके वाइफ को भावो बना लेता, भौजाई बना लेता। तो इसी तरीके से आप गरीब हैं, आपका कोई सुनने वाला नहीं है, आपको हत्या कर देगा लेकिन आपका कोई सुनेगा नहीं, हत्या करेगा कोई और, फंसा आपको देगा, जेल भेज देगा, लेकिन जो लोग मजबूत है उनके साथ कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसलिए आपको परेशानी से बाहर निकलने के लिए संगठित होइए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और समाज के साथ रहिए और पार्टी के साथ रहिए, और आने वाले समय में बदलाव होगा। बिहार में बचा है को भाई, जो हमारे जो इमरजेंसी का समय था उस समय में बहुत सारा नेता बने, लालू प्रसाद जी बने, रामविलास जी बने, नीतीश जी बने, तमाम ऐसे नेता बने, सबका रिटायरमेंट का समय आ गया। कुछ तो हमारे पास नहीं रहे, स्वर्गीय चले गए, हमारे जैसे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी चले गए, अभी लालू जी हैं, अभी नीतीश जी कुछ दिन के लिए हैं, उसके बाद बिहार पे कौन राज करेगा? 3 नौजवान हैं, एक लालू जी का सुपुत्र, एक हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास जी का सुपुत्र और एक सन ऑफ मल्ला, और सब अपने बाप के दम पर है, विरासत में उनको मिला है, और मैं आपके दम पे हूं, आप लोगों के सहयोग से और संघर्ष करने वाला हूं, और जिसमें दम होगा वो एक नंबर का कुर्सी लेगा। तो आने वाले समय में निषाद समाज का बेहतर समय आएगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा, गांव में घूम घूम कर अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो समाज जो है ना, या हमारा समाज हो या गरीब समाज हो, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो उसके बीच में जो समझदार लोग हैं वो आके गुमराह करेगा, वो आपके बारे नेता के बारे में तरह तरह के बात बोलेगा और आप उसी को सच मान लीजिएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो आपको इसलिए गुमराह करेगा क्योंकि अगर आप संगठित हो जाएंगे तो राजा बन जाइएगा और उनको कहीं ना कहीं बालू का ठेका नहीं मिलेगा। अगर आप मजबूत हो जाइएगा तो बहुत सारा ठेका आप कर लीजिएगा। आज पहले लालू जी से पहले आपके छपरा में बालू का ठेका कौन लेता था? जब लालू जी मजबूत हुआ तो बालू पे काम कौन कर रहा है, जबकि इस बालू पे पूरा अधिकार निषाद मछुआरा मल्ला का होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी सरकार नहीं है। ये बिहार में 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है हर साल, लेकिन खजाना के पास आपका भाई नहीं है, और खजाना में जो है वो खजाना निकाल के अपने लोगों के बीच में बांट रहा है। कुछ देर के लिए उस खजाना का मालिक मैं बना था तो मैं अपना पैसा लेकर अपने लोगों के बीच में खर्च कर रहा था, लेकिन उनको लगा कि नहीं इसको कैसे कमजोर किया जाए, तो आपके विधायक को खरीद कर और आपको सरकार से बाहर कर दिया। आज अगर हमारे विधायक रहते सरकार में मैं रहता तो हमारे हिसाब से चलता। जब बिहार में NDA का बैठक होता था,
सरकार के बारे में कुछ सोचना होता था तो चार नेता बैठता था। चार नेता में एक नीतीश कुमार जी बैठते थे, एक जीतन राम मांझी बैठते थे, एक भाजपा का नेता बैठते थे और एक स्टैंड अप मल्ला मुकेश सहनी बैठता था। चार कुर्सी लगता था और हम सोचते थे। और जितने भी बिहार में विधायक मंत्री हैं वो आगे बैठते थे, दर्शन जैसे तरीके साहब बैठे वैसे वो बैठते थे और जो हम लोग कहते थे वही मानना पड़ता था, वही सुनना पड़ता था क्योंकि वो सरकार आपका था। तो चोर ने चोरी किया है, आने वाले समय में उनको भी सबक सिखाएंगे। जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया है उनके साथ भी ब्याज के साथ में उनसे मैं बदला लाने वाले समय में लेना है। लेकिन आज जरूरी है अपने लोगों को संगठित कीजिए क्योंकि जो पढ़े लिखे समाज है ना वो नहीं चाहेगा कि मछली मारने वाला बिहार में सत्ता पावर में आए। वो आपको गुमराह करने के लिए आएगा, मुकेश सहनी के बारे में तरह तरह के बात बोलने के लिए आएगा, मनोज जी के बारे में तरह तरह के बात बोलने के लिए आएगा, राजकुमार जी के बारे में अलग अलग बात बोलने के लिए आएगा ताकि आप गुमराह हो जाएं। लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है भाई। 75 साल में दो बार वोट गिराना होता है, 5 साल में 75 मतलब 17 बार, 17 × 34 बार आपने वोट गिराया। 34 बार में एक बार 2020 में मेरे कहने से गिराया, लेकिन 33 बार इससे पहले आपने गिराया। कुछ लाभ आपको मिला? नहीं मिला। लेकिन आपने जब पिछले बार गिराया तो आप सीना थोक के कहते हैं ना कि मल्ला का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि मैंने ऐसा किया इसलिए बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो नहीं बोलते। इसलिए आने वाले समय में मजबूती से काम कीजिए। और विशेष तौर पे एक हमारे साथी, हाँ मैं विशेष तौर पे मैं कहाँ है हमारे अशोक जी सर बाहर चले गए और हाँ, और मैं अशोक जी को स्वागत करता हूँ कि इन्होंने रेत पर सेंट में हमारे चित्र को इन्होंने बनाया है और मुझे हिंदुस्तान में सब जगह हर चीज़ बनाए हैं। लेकिन पहली बार जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने स्वागत के लिए हमें मूर्ति जिस तरीके से प्रतिमा बनाए हैं, अशोक जी को विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देता हूँ। इनको मैं स्वागत करता हूँ कि आपने हमें स्वागत किया है और ऐसे मौका आपको दोबारा हम फिर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज में जितने भी यहाँ पे आप लोग काफ़ी दिनों से, क्योंकि कार्यक्रम पिछले बार भी रखा गया था लेकिन समय का अभाव था और समय नहीं सेट होने के कारण नहीं आया, फिर से इतने दिन से आप लोग तैयारी किए, जितने भी कार्यक्रम निषाद महासंघ के तरफ से जितने भी साथी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग आपस में भाईचारा बनाइए, संगठित होइए। और निषाद मतलब बीन बेदा नुनिया मला, अब भले हम लोग कई कुरी हैं और कुरी के हिसाब से चलना ठीक है लेकिन हम सब एक ही हैं। और जब तक आप अकेले गिनती कराइएगा तब तक आप कमजोर होइएगा। और जब तक आप बीन बेदा नुनिया मला निषाद के जब भी जितने भी उपजाति है सबको एक जगह कर दीजिएगा तो आपको पूरे बिहार के लोग आपको मानेगा कि नहीं संख्या आपके पास है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। इसलिए सब साथ मिलकर संगठन से रहिए और एक तरह भाईचारा बनाए रखिए ताकि आने वाले समय में लाभ होगा, क्योंकि आपको और आप हमको संघर्ष करना है, मेहनत करना है, तब जाके समाज में आपको सर उठाने लायक आप बनेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, युवा साथी को। यहाँ पे बड़े संख्या में माता बहन हैं, बड़े संख्या में अभिभावक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है जितना यहाँ पे युवा दिख रहे हैं कि आप लोग के पास समय है, शरीर में शक्ति है। आज मैं शायद 65 साल 70 साल का होता तो मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। आज मैं सिर्फ 41 साल का हूँ, मुझे पता है कि मेरे जिंदगी में 35 साल बचा हुआ। अब 35 साल में संघर्ष करूँगा, 5 साल लगे 10 साल लगे लेकिन बिहार का एक नंबर कुर्सी पर। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।